हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहां पे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें टोटल पोस्ट का बात करें तो यहाँ पे 2422 पोस्ट पे ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब फाइनली इसका मैंने पहले भी अपडेट दिया था कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट का प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट का सिलसिला है, वहाँ पे फाइनल टच है। मैंने पहले ही आपको बताया था, पर फिर भी यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा डिले कर दिया गया, जो डिपार्टमेंटल कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनली इसका सेंट्रल रेलवे 2422 पोस्ट अप्रेंटिस का डीवी के लिए सभी कैंडिडेट को ई कॉल लेटर जारी होना शुरू हो गया है। बाकी पार्टिकुलर हम वीडियो के आगे देखेंगे कि किस किस डिवीजन का, कौन कौन सा ट्रेड का अभी तक ई कॉल लेटर जारी हो गया है, और किस किस डिवीजन, किस किस ट्रेड का अभी कॉल लेटर जारी नहीं हुआ है और कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी अदर जितने भी डिटेल है हम देखेंगे डीवी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन सा क्लस्टर का डीवी का अपडेट आ गया है, चाहे वो मुंबई हो, पुणे, नागपुर, सोलापुर और भुसवल। टोटल यहां पे 5 क्लस्टर की तरफ से आपका डीवी का जो अपडेट है वो एक साथ तो देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें अलग अलग क्लस्टर का अलग अलग होता है, एक साथ यहाँ पे रिलीज नहीं होता है, चाहे वो बात कर लीजिए यूनिट वाइज हो या फिर आपका ट्रेड वाइज हो। तो चलिए हम आपको वीडियो के आगे डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पर देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई कॉल लेटर जारी किया गया, उस ई कॉल लेटर पे विजिट करते हैं। थोड़ा सा ई कॉल लेटर पे जाने से पहले थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे। तो ये आपका देखिए जो सेशन है 22-23 सेशन है, और यहाँ पे आपका दिसंबर में इसका वैकेंसी आया था और जनवरी तक इसका लास्ट फॉर्म अप्लाई हुआ था। टोटल अगर स्लॉटिंग का बात कर ले तो 2422 पोस्ट है, जिसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको अपडेट दे दिया। मेरिट लिस्ट कैसे बन रहा है, या फिर बोल लीजिए कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कैसे किया जा रहा है, तो सिंपल आपका 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स निकालकर कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो डीवी का अपडेट आया है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 5 क्लस्टर है, कौन कौन सा, मुंबई, भुसवल, पूना, नागपुर और सोलापुर। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपका ट्रेनिंग यूनिट है वो आपका यहाँ पे मुंबई के अंतर्गत यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेनिंग यूनिट देखने को मिल रहा। और जो डीवी का अपडेट आया है, आप देखिए यहाँ पे SNT वर्कशॉप यहाँ पे बाइकुला करके एक आपका यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना टोटल पोस्ट है अभी प्रेजेंट टाइम में, इस यूनिट का भी अपडेट आया है। पर टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी रेस्ट डिवीजन है उनका भी अपडेट आएगा। आप कंटिन्यू क्या करिए कि आप कंटिन्यू अपना मेल को चेक करते रहिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए वो आपसे मिस ना हो। और कोई भी अपडेट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आता है तो आप हमें जरूर से जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रिस्पेक्टिव छात्र जो है रेलवे अप्रेंटिस से जुड़े हुए उन सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सेट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ऑफिशियली ईमेल आईडी है नोट कर सकते हैं profitstudy22@gmail.com, इस पर पर्टिकुलर आप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत यहाँ पे SNT वर्कशॉप बाइकुला की तरफ से आया है। अब सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो आपका SNT वर्कशॉप है उसमें आपका टोटल यहाँ पे कितना वैकेंसी है और कौन कौन सा ट्रेड का वैकेंसी है, उसके बाद हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत चलिए हम अपने यहाँ पे आ गए हैं यूनिट में SNT वर्कशॉप बाइकुला। इसमें अगर टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 8 ट्रेड है, कितना, 8 ट्रेड पे आपका वैकेंसी यहाँ पे रिलीज है, और इसमें टोटल यहाँ पे 60 सीट है, मात्र आपका 60 सीट है। इसीलिए अगर मान लीजिए अगर 2 टाइम्स भी कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया होगा तो 120 कैंडिडेट को यहाँ पे मेल गया होगा, ऑल ओवर इंडिया से 120 कैंडिडेट को यहाँ पे मेल गया है। ठीक है, SNT वर्कशॉप वाइकुला की तरफ से। आप ट्रेड वाइज अगर आप वैकेंसी देखना चाहें तो वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। फिटर में यहाँ 26 वैकेंसी है, टर्नर में आपका 6 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में आपका 5 और वेल्डर में आपका 8 वैकेंसी, वहीं अगर पासा में बात करेंगे तो 6 वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में मात्र आपका 3 वैकेंसी, तो यहाँ पे कट ऑफ एकदम जाहिर सी बात है कि आपका 85 प्लस ही देखने को मिलेगा। पेंटर में बात करें तो आपका यहाँ पे 4 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 60 वैकेंसी है। अब आपको चलिए ई कॉल लेटर दिखाते हैं। तो ये देखिए हम पर्टिकुलर आपका ई कॉल लेटर पे आ गए हैं, और ये ई कॉल लेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंट्रल रेलवे SNT वर्कशॉप बाइकुला की तरफ से रिलीज किया गया है। आप सभी देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे देखिए CWM ऑफिस SNT वर्कशॉप
यहाँ पे BA रोड बाइकुला, ठीक है। तो आपको DV के लिए भी यहीं पे जाना है, मैंने पहले ही आपको बता देता हूँ कि DV के लिए भी आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। CWM ऑफिस SNT वर्कशॉप BA रोड बाइकुला मुंबई, ये आपका देखिए पिन कोड है। और ये जो लेटर है सभी को यहाँ पे 9 तारीख के डेट से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आगे देखते हैं कि आपको कब DV के लिए बुलाया गया। तो सब्जेक्ट में देखिए, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम। SNT का मतलब आपका हो गया सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप बाइकुला, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस वगैरह आपका सारा दिया है, बॉडी बिल्डर आपका लेटर वगैरह नोटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको ध्यान से समझना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर इस लेटर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको चलिए लेटर को फटाफट करके रीड करते हैं। द एफएम नेम कैंडिडेट आर हेयर बाय एडवाइज टू अटेंड द ऑफिस ऑन द बिफोर 19/7/2023। तो आपको यहाँ पे कब बोला गया है कि 19/7/2023, मतलब 19 जुलाई से पहले जो भी कैंडिडेट को ये मेल गया है, देखिए जो कैंडिडेट को मेल गया है उन्हीं कैंडिडेट को DV के लिए जाना है, जो कैंडिडेट को मेल नहीं गया है उनको DV के लिए नहीं जाना है, मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको बोला गया है कि अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज वेल एज लेटेस्ट 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको DV में 19/7/2023 से पहले जाना है, और इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको 5 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस भी आपको लेकर जाना है सेंट्रल रेलवे के फॉर्मेट में, ठीक है। द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइन बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपने शहर से या फिर आप ऑल ओवर इंडिया के से कहीं से भी बनवा सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका स्टेट हॉस्पिटल सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ साथ आपका सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना है, और आपका जो डॉक्टर का साइन रहना चाहिए वो आपका ऑथराइज डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। आपका रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आपका DV के लिए आपको एक्सेप्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट एज रेफर नोटिफिकेशन पारा नंबर 20.1 नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एंड कैंडिडेट टू लेबल टू कैंसल्ड। तो आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने यहाँ पे डीवी में अगर आप आ रहे हैं तो अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके आते हैं तो आपका यहाँ पे कैंडिडेचर को सीधा सीधा कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए पूरा लिस्ट जारी कर दिया कि डीवी में आपको क्या क्या लेके जाना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ SSC एग्जाम, SSC मतलब आपका 10th को ही बोला जाता है, और यहाँ पे 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट आपका जो रहेगा 10th का सर्टिफिकेट, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिस भी आपका कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ST OBC जिस भी कास्ट होगा आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ITI का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आपको यहाँ पर लेके जाना है, और 19/7/2023 से पहले आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ करना था मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। वहाँ पे आपको पर्टिकुलर 19 जुलाई से पहले आपको चले जाना है। अगर उस डेट के बाद अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और DV आपका कंडक्ट नहीं होगा। और अगर 19 तारीख तक पहुँच जाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे मेल के थ्रू इन्फॉर्म करके उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो फुल अपडेट है आपको साइट पर भी देखने को मिलेगा, तो पूरा जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो भी आपको लेटेस्ट अप्रेंटिस आता है वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। सिंपल आपको गूगल में टाइप करना है profitstudy.in और आप हमारे ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। जो भी आपको यहां पे लेटेस्ट अप्रेंटिस चल रहा है, जो भी न्यू अपडेट आएगा, ये सारा कुछ अपडेट आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो यहां से जाके आप यहां पे इसका सेंट्रल रेलवे का सारा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल आता होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।